तो ये है कुछ इस तरह से पर्ल हाउस का प्रॉपर्टी, और बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, ओल्ड रोड है ये, और यहाँ पे अपना डिक्रो पार्क है, और ये भैया हमें लेके जाएंगे अभी। मैं यहाँ से जाऊँगा मैग्नेटिक हिल, और मैं अब जा रहा हूँ एप्पल तोड़ने, एप्पल का पेड़ देखने जा रहा हूँ। अरे बाप रे, ये तो कच्चा है। नहीं ठीक है, ठीक है, खाने लायक है। एप्रिकॉट चाहिए तुम्हें? एप्रिकॉट, एप्रिकॉट, हाँ हाँ हाँ। एप्पल है ना, और एप्रिकॉट, ये एप्रिकॉट मतलब क्या होता है? ये खुबानी। खुबानी, अरे बाप रे, ये तो कितना सारा है। ये पका हुआ है क्या? ऊपर ऊपर पका, ये भी पका ही है, मतलब खाने लायक है। हाँ, कैसे लगता है ये? तो ये जर्दाड़ू बोलते इसको हम, ये ड्राई फ्रूट के जैसा था ना, ड्राई फ्रूट, इसको ड्राई बनाते हैं ना सुखा के, तो उसके बाद ड्राई फ्रूट। और ये देखो यहाँ पे है ना, ये गेहूं का खेत लगा हुआ है। हो, सही है यार। यहाँ पे क्या क्या खेती करते हैं आप? वेजिटेबल्स तो सारे लग जाता है, सारे वेजिटेबल्स, और गेहूं भी लगा दिया। लगते हैं आलू। क्या बात है यार। अरे आपका नाम पूछा ही नहीं, बताओ। गावा। गावा नाम है, और ये रास्ता में ओल्ड रोड में पड़ता है, ओल्ड रोड में है, ऊपर ले में है। ओके, विलेज का नाम है सेनम। ओके, और आपके प्रॉपर्टी का नाम? हमारे पर्ल हाउस, हाउस का नाम है पर्ल हाउस। ओके ठीक है, तो ये यहाँ के ओनर है, और हमें इन्होंने ऑफर कर दिया ये सारा पेड़, जितने मर्जी तोड़ लो। ओह वाह, हाँ 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 हाँ, एप्पल भी तोड़ते, ग्रीन एप्पल हो गया ये तो। हाँ, ये सर्दियों में ना जब बर्फ पड़ता है, हाँ हाँ, तो इसलिए स्टॉक करके रखा है। अच्छा, ये सर्दियों के लिए रखा हुआ है। और एक हमारा जो बोलते हैं, जो याक की तरह होता है, जिस पर ग्रो होता है, हाँ हाँ हाँ, वो भी आएगा अभी सर्दियों में, अभी वो पार कर दिया हुआ है। हाँ क्या? हाँ। अभी याक से खेती करते हो क्या? याक के फैमिली का ही है। अच्छा अच्छा, जो बोलते हैं उसको, जो जो, वाह, ये पूरा प्रॉपर्टी आप ही का है फिर? हाँ जी, बहुत सही है यार। है? माने बोलते इसको? हाँ। अच्छा, माने स्तूपा माने। ओके, हाँ वो गोल गोल घुमाते वो। अच्छा, ये जब घूमते हैं ना, मंत्रा पढ़ना होता है। अच्छा अच्छा, ओम मने पद्मे हो। अच्छा, ओम मने पद्मे हो। ये सारे गोबर है। ये किसका है? गाय का गोबर। अच्छा अच्छा, गाय का ही। ये आप विंटर में काम आता है, आप जलाने के लिए। वाह, बहुत सुंदर है ये जगह। मॉर्निंग गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये कुछ इस तरह से है ये प्रॉपर्टी, और बहुत सुंदर है, ले में एकदम पॉइंट पे है। और अब मैं जा रहा हूँ मैग्नेटिक हिल, और मैग्नेटिक हिल में जाऊँगा, फिर आज का पूरा दिन मैं ले एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो चलो चलते हैं। ये है लद्दाख। बर्फ के पहाड़ और बुलेट वाले भैया, टोपी वाली आंटी, टोपी वाले अंकल। अच्छा, यहाँ से आए हैं हम, ये है यहाँ से, अगर इधर लेफ्ट जाते हैं तो खारडुंगला जाते हैं। हाँ, आया समझ में। है लद्दाख इतना सा, छोटा सा ही है। मेन रोड कहाँ है? मेन रोड
फिर से मैं पहुंच गया हूँ मैग्नेटिक हिल और देखो ब्रेक रुक जा, गियर न्यूट्रल में है और यहाँ पे देखो क्लच छोड़ा हुआ है न्यूट्रल में गियर, और ये ब्रेक से पैर हटाया और ये गाड़ी जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, और रुक जा, ये रुकी। ये है मैग्नेटिक हिल का खेल, ये पूरा है ना इल्यूजन है, ये एक्चुअली ना चढ़ाव होता है बट आंखों का धोखा समझ लो या फिर कुछ समझ लो, ये मैग्नेटिक हिल का खेल है, चमत्कार है सारा। और ये देखो मैंने पैर हटा लिए है पूरे और गाड़ी अपने आप चल रही है, ये देखो 10 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, ये देखो ओ भाई इतना तेज, ओ भाई 20 की स्पीड, ओहो ये देखो अभी तक मैंने ये नहीं किया, अभी यहाँ पे रोकना पड़ेगा। ओ हो वाओ, तो मैं जा रहा हूँ संगम की तरफ, संगम जो है नीचे है जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जब आया था लद्दाख तब मैंने ये किया था वहाँ पे, क्या था वो नहीं होता है पानी में बोट डाल के वाटर राफ्टिंग, राफ्टिंग किया था सॉरी, हाँ तो राफ्टिंग किया था मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम, तो इस बार भी जाऊँगा मैं, देखता हूँ। ये थोड़ा बहुत साल हो गया उस चीज़ को, मैं 2017 में गया था तो अब एक बार फिर से जाऊँगा, और अभी तक मैंने गियर भी नहीं लगाया और कुछ नहीं, एक्सीलेटर भी पैर नहीं है, ब्रेक में भी पैर नहीं है, गियर भी न्यूट्रल है, अभी तक मैग्नेटिक हिल से यहाँ तक गाड़ी ऐसी अपने आप चल रही है। और आगे तक देखो यहाँ, ये यहाँ से सीधा जाता है कारगिल की तरफ, तो ये बहुत खूबसूरत रास्ता है कारगिल सोनमर्ग वाला जो रास्ता है ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत है यहाँ पे, इतना मतलब रास्ता भी मस्त है और नजारे भाई साहब कतई कातिल है, लिखा हुआ है कि ब्रो एट योर सर्विस प्राइड ऑफ द नेशन, होप यू एंजॉयड द राइड, ब्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यस ब्रो वी प्राउड ऑफ यू, बहुत सही है, बहुत सही है रास्ते आपने बनाए हुए, अमेजिंग है, अमेजिंग, वाह ये बात है। ये देखो ये जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए, ऐसा मजा आता है ना राफ्टिंग करने में। ये ब्रिज देखो यार कितना सही है, चलिए यहाँ पे कुछ फोटो सेशन करते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए। तो ये है संगम और ना संगम पे इस बार बहुत भीड़ है और पानी बड़ा शांत है, संगम का जो पानी है ना वो बड़ा शांत है इस बार। यहाँ पे देखो बहुत सारी पार्किंग मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ है और पुणे साथ साथ, चलो थोड़ा आगे चल के देखते हैं और दिखाता हूँ आपको। बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं, एक ही बार आया था, अब ये सेकंड टाइम है, राफ्टिंग किया था हमने लास्ट टाइम, बार देखो मैग्नेटिक हिल पे कितनी सारी भीड़ है, बाप रे बाप बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे। ये देखो फ्लाइट कहाँ गया, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये, अरे आजा, हाँ ये आ गया, ये सबसे खतरनाक टास्क होता है यहाँ पे, फ्लाइट उतारना लैंड करना मतलब ना बहुत रिस्की है, और जो बैठने वाला होता है ना उसको भी ज्यादा डर लगता है, घुमा घुमा के वो लैंड करते हैं यहाँ पे और इतना टेढ़ा कर देते हैं ना फ्लाइट को। अब देखो ये पूरा घुमा के और एक चक्कर लगाएगा उल्टा और फिर लेके जाएगा। तो अब ना मैं जा रहा हूँ ले मार्केट घूमने और पैलेस भी है, पैलेस भी जाऊँगा और कुछ शॉपिंग करनी है वो भी करूँगा,
तो चलते हैं ले मार्केट। ये है मार्केट रेगुलर वाला, 10 बार आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी कितना प्यारा गिफ्ट है। बाप रे बाप रे, बहुत ज्यादा शॉपिंग हो गया आज तो। फर्स्ट टाइम लाइफ में इतनी शॉपिंग की है। वाह भाई क्या है, मतलब कमाल है। तो मैं आ गया रूम पे और आज आराम करूंगा पूरा रात भर, एकदम घोड़े बेच के सोने वाला हूँ। और कल सुबह मैं यहाँ से निकलूंगा खाटुंगला के लिए। खाटुंगला जाऊंगा, उसके बाद में जाऊंगा मैं तुरतुक जो लास्ट विलेज है वहाँ पे, उसके बाद में मैं जाऊंगा पैंगोंग, पैंगोंग के बाद में जाऊंगा ले और फिर लेह के बाद में जाऊंगा रिटर्न। अब ये फिक्स नहीं मेरा, वाया मनाली जाऊंगा या वाया जम्मू जाऊंगा, तो वो मैं अपडेट दूंगा आपको। अगर कोई है लेह में जो जाना चाहता है मुंबई, तो डीएम करो मुझे, क्योंकि अब अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। ओ भाई चलो ठीक है, कोई ना, तो चलो अब खाना है, खाना आएगा थोड़ी देर में, खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। देखता हूँ अगर खाना दिखाने का मूड रहा तो दिखाऊंगा, नहीं तो खा लूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। वैसे ये होटल का जो लोकेशन है बहुत सही है, हार्डली 3-4 कितना 2 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से मेन मार्केट, और मेन जो चौक है यहाँ से इतना मतलब 2 मिनट भी नहीं लगे मुझे आने में। तो बहुत अच्छा है, पर्ल हाउस नाम है होटल का, और होटल के जो रेट है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब आप एक 3-स्टार होटल में जाते हो ना, उस टाइप का एम्बियंस है होटल का, काफ़ी अच्छा है होटल। और बेड का भी क्वालिटी अच्छा है, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है, नया होटल है, लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप आना चाहते हो तो ज़रूर आना। मैं इनका अगर कुछ मिला मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक वगैरह तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर उनका नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत मस्त बंदा है। तो चलो ये वीडियो मैं यही एंड कर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना, सैनिटाइज करते रहना, हो सके तो पौधा ज़रूर लगाना। चलो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए फील द लाइफ।